नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। झुंझुनू में सांसद संतोष अहलावत ने की प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के साथ की मुलाकात। अजमेर में एक बार फिर चोरों ने दिन दहाड़े मकान को बनाया निशाना, ताला तोड़कर नकदी और जेवरा सहित करीब 25 लाख रुपए पर किए हाथ साफ। हिंडौन सिटी में खेत में लटका मिला 28 वर्षीय महिला का शव, महिला के साथ दुष्कर्म फिर हत्या, आपत्तिजनक सामग्री हुई मौके पर बरामद। और सूरजगढ़ में बाइक स्कूटी की भिड़ंत में बाइक सवार की हुई मौत, स्कूटी चालक रवि भावटड़ी को किया बीड़ी के अस्पताल में रेफर। काजड़ा चुंगी के जीनी रोड पर हुआ बाइक और स्कूटी पर दर्दनाक हादसा। और अब खबरें विस्तार से। बहरोड उपखंड के माजरा कानवास गांव में ग्रामीणों ने मृतक राकेश यादव की हत्या का खुलासा नहीं करने पर आज बहरोड कुंड मार्ग पर पत्थर और ईंधन लगाकर मार्ग पर जाम लगा दिया। मृतक के भाई ने बताया कि एक महीने पहले हाईवे पर दहमी गांव के पास राकेश की टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके नामजद रिपोर्ट बहरोड थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस हत्या का खुलासा नहीं कर पाई। जबकि हत्या के आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के ढीले रवैये के कारण हत्या के आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। क्षेत्र में अपराधियों का खुलेआम घूमना अपराध को बढ़ावा दे रहा है, जिससे क्षेत्र में आए दिन हत्या, लूट, डकैती हो रही है। इस दौरान कुंड बहरोड मार्ग पर लंबा जाम लग जाने से यात्रियों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जाम लगने के बाद भी पुलिस प्रशासन अभी मौके पर नहीं पहुंचा है। ये जाम मादरा यूथ की तरफ से लगाया गया है। राकेश कुमार जिसकी हत्या 13 तारीख को हो गई थी, उसके जवाब में हमने पुलिस से बात की तो पुलिस ने कोई पुलिस को ज्ञापन भी दिया, 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सभी नामजद जो भी मृतक थे, जो हत्यारे थे, उनको किसी को भी एक को छोड़ के किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। कब की घटना है ये? 13 जून की घटना है। पुलिस मौके पे आई बट उन्होंने जो भी नामजद हत्यारे थे उनको किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, सत्येंद्र को छोड़कर किसी को गिरफ्तार नहीं। क्या मांग करते हैं आप? जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा दे। झुंझुनू में सांसद संतोष अहलावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में मुलाकात की। सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सांसद पहली बार उन्हें बधाई देने के लिए पहुंची। झुंझुनू के राजनीतिक हालातों पर अभी चर्चा की। सांसद संतोष अहलावत ने मदन लाल सैनी से झुंझुनू में स्वागत कार्यक्रम रखने का समय मांगा, साथ ही कहा कि झुंझुनू में हर एक कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है, जिस पर मदन लाल सैनी ने आश्वस्त किया कि वे भी झुंझुनू के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक है जितने की कार्यकर्ता, इसलिए जल्द ही वे झुंझुनू का कार्यक्रम रखेंगे। उन्होंने इस मौके पर बताया कि उनका पूरा प्रदेश का दौरा भी बन रहा है, जिसमें पहले वे सभी संभाग मुख्यालयों पर जाएंगे और इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों पर। इसी दौरान वे झुंझुनू का कार्यक्रम भी तय करेंगे। सांसद के साथ उनके पीआरओ अजय लुणायज भी मौजूद रहे। झुंझुनू में अक्सर बिजली निगम के आला अधिकारियों के सामने किसान नारेबाजी करते हुए पहुंचते हैं, लेकिन झुंझुनू में एक कमाल हो गया जब अजमेर डिस्कॉम के एमडी बीएम भामू पहुंचे थे। जी हां, बीएम भामू यहां पर अधिकारियों की बैठक लेने के लिए जयपुर आए थे, जहां पर उनसे मिलने के लिए किसान भी आए, जिन्होंने न केवल भामू से मिलने के लिए इंतजार किया बल्कि बिना कोई नारेबाजी से उनसे मुलाकात भी की, साथ ही अपनी समस्याओं को बताया। लेकिन खास बात यह रही कि खेतों में बिजली के घरेलू कनेक्शन देने के कार्यक्रम की किसानों ने प्रशंसा करते हुए भामू का आभार जताया। भामू ने भी किसानों को आश्वस्त किया कि सितंबर तक झुंझुनू के सभी खेतों में घरेलू बिजली का कनेक्शन हो जाएगा, साथ ही वीसीआर को लेकर भी किसानों के साथ समीक्षा की। किसानों ने बताया कि अब उन्हें वीसीआर का पहले जितना डर नहीं लगता। भामू ने किसानों को बताया कि कृषि कनेक्शन के कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। पहले फेज में सितंबर तक और दूसरे फेज में
नवंबर तक सभी किसानों को कनेक्शन दे दिए जाएंगे। इससे पहले भामू ने अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि VCR भरने से पहले सभी उपभोक्ताओं की ग्रेडिंग तय हो, उसके बाद कार्रवाई के लिए सूची तैयार की जाए। बेवजह उपभोक्ताओं को परेशान ना किया जाए, लापरवाही बरतने पर उन्हें बड़ा गांव के AN को भी निलंबित कर दिया गया था। किसान जो लीडर्स हैं, किसानों की समस्या, वैसे हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई समस्या हमेशा रहती है। बिजली के मामले में भी हमने किसानों की काफ़ी हद तक समस्याएं दूर कर दी है। जैसे सबसे बड़ी बात थी कि जो खेतों में बसे हुए लोग थे उनके यहाँ कनेक्शंस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से वो सारे के सारे झुंझुनू जिले में खेतों में हम पहुँच रहे हैं और सितंबर के अंत तक ये सारे के सारे कनेक्शन कर देंगे। ये मैंने किसानों को ये बात समझाई है और उन्होंने इस चीज़ को सराहा भी है। दूसरा जो कृषि के कनेक्शन भी जो फर्स्ट फेज के कनेक्शन थे वो सितंबर तक हम पूरा कर देंगे। पोल खड़ा करने का कार्य चल रहा है और जो सेकंड फेज के हैं वो हम अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे। तो बाय एंड लार्ज किसान जो है हर बात के ऊपर वो धन्यवाद भी दे रहे थे कि ये सरकार का एक अच्छा मूव है कि डाणियों के अंदर कनेक्शन कर दिए, किसानों के कनेक्शन भी खोल दिए। मुख्य रूप से उनका ये था कि जो फ्लैट रेट के जो उनके कनेक्शंस थे उनको फ्लैट रेट पर ही रहने दिया जाए। अजमेर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वह दिन दाड़े भी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। इस बार वारदात लोहा खान निवासी सतीश महावर के मकान में हुई। महावर ने पुलिस को बताया कि वह सुबह 10:15 बजे अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। जब 11:15 पर घर वापस लौटे तो मकान के बाहर दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और भीतर के जाली वाले गेट की चिटकनी लगी हुई थी। उन्होंने खिड़की से भीतर झांक कर देखा तो सारा सामान बिखरा नजर आया। जब अंदर जाकर देखा तो रूम की अलमारियों का सामान भी फैला हुआ था और उनके लॉकर टूटे हुए थे। महावर ने पुलिस को बताया कि अज्ञात चोर करीब 1 घंटे में वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। उन्होंने बताया कि चोर 50,000 रुपये नकद, 4 किलो चांदी सहित 25 तोले सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। कुल चोरी हुए माल की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ममता स्वीट होम से मिठाई लेके हमारे देवर के घर गए थे। वहाँ थोड़ी देर बैठे, आधा पौन घंटा, और वापस आए तो सारे पीछे के गेट खुला था और आगे से बंद था। जब जाके देखा पीछे सारा घर की अलमारियां सारी खुली हुई थी और सारा घर का सामान बिखरा हुआ था और जो भी कैश जेवर जो भी घर में था वो सारा ले गए। क्या कहता? कैश में तो 50,000 करीब और ज्वेलरी का तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है कितनी थी मेरे पास। नुकसान का तो अभी अंदाजा लगा नहीं सकते, तब भी काफी मतलब 10-20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पुलिस तो आके गई है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखो हमारी किस्मत में होगा तो हमें जरूर वापस मिलेगा और वापस पकड़े जाएंगे जो भी चोर थे। लोहा खान में हमारा मकान और ऐसा कुछ नहीं, हम तो हमेशा संडे को जाते ही हैं बच्चों से मिलने और इस संडे भी गए थे। आधे पौन घंटे में सारा खेल खत्म कर दिया। हिंडौन सिटी में सदर थाना क्षेत्र के भजेड़ा गांव में 28 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर महिला को पास के खेत में कुएं में धकेल दिया जिससे महिला का एक हाथ बिल्कुल अलग हो गया और महिला ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की जानकारी के अनुसार हिंडौन सिटी के सदर थाना क्षेत्र के भजेड़ा गांव निवासी उर्मिला देवी पत्नी रामू उम्र 28 साल गांव के कुएं में मिली।
वहीं पास के खेत में बाजरा में काम करने के लिए महिला निकल रही थी तो महिला को एक वस्त्र दिखा। उसको देखा, उसकी नजर कुएं की तरफ भी गई। वहीं उनको लगा कि जमीन में घसीटकर किसी को कुएं में डाला है। इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, टॉर्च से देखा गया तो महिला उर्मिला का शव लटका दिखा, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई और ग्रामीणों ने शव को कुएं से बाहर निकाला। उसके हाथ पर लिखा था नाम, उसे शिनाख्त हुई। वहीं उर्मिला का एक हाथ भी अलग मिला। वहीं कुएं के पास से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। इससे लगता है कि महिला के साथ दुष्कर्म किया, बाद में कुएं में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक हिंडौन मंजीत सिंह, सदर थाना प्रभारी रामवीर, एसआई छुट्टन लाल, फतेह लाल, खेमचंद, हेड साहब प्रताप सिंह मौके पर और साथ ही एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। मेरी पत्नी बाजरा नड़ावे आई सुबह करीबन 7 बजे, फिर 7:30-7:15 के आसपास वागू कुएं के पास में खेत में नड़ा रही थी। एक चुन्नी पड़ी हुई देखी उसको कुएं के पास, उसने चुन्नी देखी। उसके बाद में अड़ोस पड़ोस की और जो खेतों में काम कर रही थी लेडीज, उनको बुलाया। फिर उन्होंने देख के और यहाँ एक कोई आदमी को घसीटने जैसी लकीर दिखाई दी। फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा लगा उनको कि शायद कुएं में कोई आदमी पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर मैं गांव में था। फिर मैं और गांव के लोग बागों को लेकर कुएं पर आया। फिर हमने यहां आकर के टॉर्च और शीशे से चौंदा दे करके देखा तो कुएं में किसी लेडीज़ की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखी। फिर उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने आके डेड बॉडी निकलवाई। 8 बजे के लगभग ग्रामीणों ने सूचना दी, बजेड़ा के पास एक कुआ में महिला की लाश पड़ी हुई है। इस पर मैं जाते के उपस्थित आया हुआ हूँ। बॉडी को निकलवाया गया है, जिसकी शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है व महिला के बारे में पता किया जा रहा है। मौके पर उच्च अधिकारी उच्च साहिबान श्री मनसी साहब उपस्थित हैं, वो भी इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। नगरी हिंडौन सिटी का असर अब आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा है। आज हाल ही में उपखंड हिंडौन के पास के गांव बजेड़ा में हुई घटना ने आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। आज बजेड़ा गांव के अंदर एक महिला का शव कुएं में लटका मिला, जिससे मौके पर हिंडौन पुलिस उपाधीक्षक मंजीत सिंह, सदर थाना प्रभारी रामवीर जाट, मैं पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा जहां पर एफएसएल टीम करौली से भी मौके पर कुछ प्रतिनिधि आए, जिसके कारण उनने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है तथा अभी आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। हिमांशु दत्तात्रेय, सत्यमेव न्यूज, हिंडौन सिटी। बीकानेर में विशुद्ध खादी ग्रामोद्योग समिति के सिल्वर जुबली वर्ष और नवीनीकृत भवन का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई ने किया। वही कार्यक्रम को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि आज युवाओं में खादी के क्रेज घटता जा रहा है। इसके लिए खादी को नई डिजाइन देने की जरूरत है, जिससे युवा भी खादी की तरफ आकर्षित हो सके। प्रयास कर रहे हैं कि खादी का कल्चर फिर से वापस लोगों में इसके प्रति भाव पैदा हो। उसके से हमने कुछ छत्ता के कोई देश के जो
जो पेट्रोल मंत्री है माननीय धर्मेंद्र प्रधान उनसे बात की कि जो पेट्रोल पंप है उन पर जो आप निर्देश दे रहे हो कंपनी जो निर्देश देती है उन निर्देशों में अधिकोष जो हुई इस बात का आप निर्देश दे रहे तो उन्होंने इस बात पर सहमति दी और उन्हीं का मैं बात करके इस पर प्रयास करता हूँ कि ये खादी का उपयोग करें। दूसरा हम देख रहे हैं जो खासकर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें भी अभी गवर्नमेंट का प्रयास करेगी इसके तो कई हमारे लोगों को जो उनकी संस्थाएँ हैं ताकि वो संस्थाएँ उस पर दृष्टि से काम कर सके और उसका बेनिफिट लोगों आम मिल सके। तीसरा हम देख रहे हैं इसके लिए जितने भी प्रदर्शनी हम लगा सकते हैं लोगों को आज के समय में प्रदर्शनी लगाएंगे तो उसका जरूर इम्पैक्ट आएगा तो हम कोशिश करें कि हर जिले में प्रदर्शनी लगे ताकि लोग इसकी तरफ आगे बढ़े और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और चौथा हम अभी प्रयास करें कि जो संस्थाएँ हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है जब से नोटबंदी हुई तब से कारण उसका ये कि उनके कैश हैंडलिंग बंद हो गई उससे जो कठिन काम कर रही है वो काम करने में मना कर रही है तो हम चाह रहे हैं कि कुछ परमिशन मिले तो आप सरकार से इस विषय में बात करें वो खाते को कैश हैंडलिंग का जो अधिकार संस्थाओं को दे ताकि वो संस्थाएँ काम कर सके आराम से। और प्रयास हम दृष्टि से भी कर रहे हैं कि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिले युवाओं दूसरे लोगों को मोटिवेशन करने का जो है फैशन डिजाइनर्स हैं वो सब इसमें लगे हैं कि युवा भी इसमें जुड़े। जोधपुर के लोहावट में रेलवे अंडर ब्रिज के पास जाटावास में स्थित जैन दादावाड़ी में चोरों ने तीसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गत दो बार हुई चोरी का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। जैन समुदाय के गौतम चंद पारक ने बताया कि रविवार को दिन में तकरीबन 11 बजे मंदिर का पुजारी मंदिर परिसर में ही चल रहे मरम्मत कार्यों की देखभाल करने गया हुआ था। वह 12 बजे वापस मुख्य मंदिर में आया तो देखा कि मंदिर में लगे दान पात्र का ताला टूटा हुआ है और उसमें से हजारों रुपए की नकदी और चिल्लर गायब थी। मंदिर में लगी प्रतिमा से भी आभूषण गायब थे। अज्ञात चोरों ने मौका पाकर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दे दिया। पूर्व में भी इसी मंदिर में दो बार हुई चोरियों में रात में इसी तरह से नकदी और आभूषण चुराए जा चुके हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं हुआ। मंदिर में इस तरह तीसरी बार चोरी होने पर जाटावास सरपंच अशोक कुमार सेन, जसराज मोहनलाल, जितेश जैन, संतोष पारक और गौतम चंद आदि ने दिन दहाड़े इस तरह से चोरी होने पर रोष जताया। लोहावट थाना अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने वारदात स्थल का मौका मुआयना भी किया। लाठी में भादरिया गांव निवासी अनिल पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा भादरिया गांव से लाठी गांव की तरफ आ रहा था। इस दौरान लाठी और धोलिया गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर अचानक मोटरसाइकिल के आगे हिरण आ गया जिससे मोटरसाइकिल की हिरण से भिड़ंत हो गई जिससे हिरण की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार अनिल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे समाज सेवी रामधन मांझू ने घायल को लाठी चिकित्सालय पहुंचाया जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर लाठी पुलिस थाना से एएसआई वराराम, कांस्टेबल पुखराज, अनिल भारतीय विष्णु सभा के तहसील संयोजक राधेश्याम पेमाणी घटनास्थल पर पहुंचे और हिरण के बारे में वन विभाग को सूचना दी जिस पर वन विभाग से क्षेत्रीय वन अधिकारी कान सिंह मेड़तिया सहित वन विभाग टीम मौके पर पहुंची और मृत हिरण को वन विभाग ले जाया गया। पाली के भर में अखिल भारतीय सरगरा समाज जेतारण पट्टी सोला खेड़ा के सभी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सरगरा समाज के युवा प्रत्याशी हरिश्चंद्र राठौड़ ठाकरवास को आने वाले विधानसभा चुनाव में हिंद कांग्रेस पार्टी को जेतारण विधानसभा चुनाव में पूर्ण रूप से समर्थन देने का फैसला लिया। समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संकल्प लिया है आने वाले विधानसभा चुनाव में हरिश्चंद्र राठौड़ ठाकरवास को चुनाव में समर्थन देंगे। इसी के साथ गांव ठाकरवास में हरिश्चंद्र राठौड़ को समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने साफा पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि समाज आगे बढ़ रहा है। आज सरगरा समाजवादी शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है।
इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा और सभी युवाओं को आगे आना होगा, जिसमें अखिल भारतीय सरगरा समाज की उन्नति होगी। इस मौके पर अध्यक्ष बुद्धाराम बुलुंदा, पूनाराम बुलुंदा, बाबू रास, मल्लाराम अमरपुरा, लालाराम लांबिया, प्रकाश लांबिया, कचरू बलड़ा, अर्जुन फुलमाल, कालूराम कालू, नाथूराम बिरोल, सुरेश बिरोल, मदनलाल ठाकरवास, लक्ष्मण ठाकरवास, चंपालाल ठाकरवास आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड 10 में सूरजगढ़ जन सतर्कता समिति और जांगिड़ परिवार की ओर से निशुल्क बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर लगाया गया। स्वर्गीय कानाराम जांगिड़ और अंची देवी की स्मृति में लगाए गए शिविर का उद्घाटन भाजपा नेता सुरेंद्र अहलावत ने किया। शिविर में जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने शिविर के दौरान आए रोगियों को चिकित्सीय उपचार कर उन्हें दवाइयों का वितरण किया। इस दौरान सूरजगढ़ के अलावा भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। स्वर्गीय श्री कानाराम जी जांगिड़ एवं उनकी धर्मपत्नी अंची देवी की पुण्यतिथि में ये जांगिड़ परिवार और सूरजगढ़ जन सत्ता समिति के तत्वाधान में ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप में महात्मा गांधी अस्पताल की पूरी टीम यहाँ पहुँची है और काफ़ी संख्या में आसपास के गांवों में सूरजगढ़ के हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, जिनमें काफ़ी लोगों को यहाँ अभी देख भी चुके हैं। मेरे हिसाब से 220 के आसपास संख्या को देख करके और निःशुल्क दवाइयाँ दे चुके हैं और अच्छी तरह मतलब सब पेशेंट जो है संतुष्ट होके जा रहे हैं। पोकरण में ओडानिया ग्राम पंचायत के महेशों की ढाणी में चल रही श्री नागान्य राय गौशाला में हो रही धांधली के विरोध में महिषों की ढाणी के समस्त ग्रामवासियों ने हस्ताक्षर सहित पोकरण उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप धांधली रोकने की अपील की। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में बताया कि हमारे गांव में श्री नागान्य राय गौशाला संचालित की जा रही है, जिसमें 50 से 60 गाय मौके पर चराई जा रही है, जबकि गौ सेवा समिति द्वारा जो बिल राशि पशु आहार के लिए उठाई जा रही है वो तकरीबन 300 पशुओं की है। गौशाला के माध्यम से कार्यरत अध्यक्ष सचिव द्वारा मौके पर न तो गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था है और न ही छाया की, गायों को समय समय पर पशु आहार भी नहीं दिया जा रहा, न ही मौके पर वीडियोग्राफी है, न सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है। ग्रामवासियों ने प्रार्थना पत्र पेश कर गौशाला में हो रही धांधली को रोकने और सरकारी राशि का दुरुपयोग न होने को लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। सूरजगढ़ थाना इलाके के काजड़ा चुंगी चौराहे के पास सोमवार सुबह एक बाइक और स्कूटी के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नाथ जी की ढाणी में रह रहे हरियाणा के सुंदरेड़ा गांव का अभय सिंह बावरिया बुलेट बाइक पर सवार होकर सूरजगढ़ शहर की ओर आ रहा था। इसी दौरान काजड़ा चुंगी चौराहे के पास सामने से आते स्कूटी सवार के साथ उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में अभय सिंह और स्कूटी सवार भावखड़ी गांव निवासी रवि शर्मा घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जीवन ज्योति रक्षा समिति की एम्बुलेंस से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान अभय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, वही गंभीर घायल रवि को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल रेफर कर दिया।
पुलिस ने हादसे में मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। उनके आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक इनफील्ड मोटरसाइकिल थी जो जीणी की तरफ से आ रही थी, और इस जीणी की अपने सूरजगढ़ की तरफ से एक स्कूटी जा रही थी जीणी की तरफ, तो बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर था। ये अभय सिंह बावरिया है, हरियाणा का, जो अपने इस पे नाथजी कुएं पे जमीन की बातें, और रवि जो बावठड़ी का ब्राह्मणों का लड़का, ये स्कूटी से इधर जा रहा था। दोनों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें अभय सिंह तो हॉस्पिटल जाते ही ख़त्म हो गया, और इसको रवि को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। मौके को देख लिया गया है, दोनों गाड़ियों को थाने भिजवा रहे हैं। दोनों गाड़ियाँ एक्सीडेंट हैं जो मौके पर हैं। मौके कार्रवाई हो गई है, अब बाकी कार्रवाई हॉस्पिटल जाके उसकी मृत्यु की कार्रवाई की जाए। छोटी सादरी नगर के हिमेड़ा रोड स्थित वाटर वर्क की बाउंड्री के सामने बने टैक्सी स्टैंड पर व्याप्त समस्याओं के निदान करने को लेकर सोमवार को टेम्पो यूनियन संघ के पदाधिकारियों ने आला अधिकारी दिनेश मंडोवरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि SBI बैंक के सामने वाटर वर्क्स की बाउंड्री के पास 20 वर्षों से टेम्पो स्टैंड बना हुआ है। यहां 20 सालों से टेम्पो और वाहन खड़े हो रहे हैं, और टेम्पो संघ द्वारा कभी भी यहां यातायात और स्टैंड के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। अब यहाँ पिछले एक दो सालों में टेम्पो स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आने लगा है। यहाँ और व्यवस्थित तरीके से फल सब्जी के ठेले फ्रूट के थड़ी से लगाकर अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जे कर लिए गए। इससे टेम्पो और टैक्सी खड़े करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ अव्यवस्थाओं के चलते निमेड़ा रोड पर जाम भी लग जाता है। संघ के पदाधिकारियों ने बैंक के सामने इसी जटिया समाज के भैरव बावजी मंदिर में उत्तर दिशा की ओर तथा नए बस स्टैंड की तरफ वाटर वर्क्स के मुख्य दरवाजे से पहले तक टेम्पो स्टैंड के लिए जगह जगह चिन्हित करने, मंदिर के दक्षिण दिशा में गांधी चौराहे ठेले थड़ी अन्य घूमतियों का स्थान निश्चित लाइनिंग कर उनको भी स्थान देने, और आपसी सामंजस्य भाईचारा बनाने और सार्वजनिक यातायात व्यवस्था सुचारू बनवाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जोरा कस्बे में एक युवक ने खुद को देशी कट्टे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से रोजगार न मिलने के कारण युवक तनाव में चल रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जोरा कस्बे के लक्ष्मी नगर मंदिर में गली में रहने वाले युवक अरुण मुदगल की कुछ साल पहले शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे भी हैं। कुछ दिन पहले उसने जीवन यापन के लिए होटल भी शुरू किया था, लेकिन वह नहीं चला। मजबूरन उसे घाटे के चलते उसे बंद करना पड़ा, जिसके चलते वह बेरोजगार हो गया था और बेरोजगार की तलाश में भटक रहा था। सोमवार की सुबह उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मौके से देशी कट्टा और खाली कारतूस भी बरामद कर लिया है।
आज सवेरे 6:30 बजे खबर आई थी कि कस्बा जोरा में पुराना जोरा बस्ती में अरुण मुद्गल नाम के एक व्यक्ति ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो ऐसा पता लगा है कि अरुण पहले राशन की दुकान चलाते थे, पूरा समृद्ध परिवार था इनका, और इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा दारू वगैरह का सेवन, व्यसनों में ये पड़ गए, तो इनके परिवार ने इनको इनसे ये अपना राशन वगैरह दुकान कंट्रोल का काम छीन लिया और ये अलग थलग पड़ गए। इसके बाद इन्होंने एक होटल, खाने का होटल खोला, लेकिन 4-5 महीने पहले बोली बंद। तो इसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे, मेरे परिवार के लोग कहते हैं, तो आज सुबह इन्होंने अपना पिस्टल, देसी कट्टे से इन्होंने अपने आप के पेट में गोली मार ली, छाती और पेट के बीच में गोली लगी है और कट्टा वहीं पर मौजूद पड़ा मिला और एक कारतूस वहीं पर मिला है। इसके बाद इनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फोटोग्राफर फिंगरप्रिंट वगैरह सारी इनकी जाँच पूरी कर ली है। रतनगढ़ में पानी सप्लाई की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 25 की महिलाओं का आक्रोश फूट गया और उन्होंने जलदाय विभाग के एक्सियन कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने मटकी फोड़कर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जलदाय विभाग कार्यालय अधिशासी अभियंता कार्यालय में मौजूद महिलाओं का कहना है कि काफी समय से वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से वार्ड के लोग परेशान हैं। पानी समस्या का त्वरित समाधान नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वार्ड की महिलाओं द्वारा मटके फोड़कर जमकर नारेबाजी की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि जब तक अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान एक्सियन मोहनलाल कंवल और जेएन नारप्ता जियाणी की भी आपस में लिखित आश्वासन देने की बात पर बहस हो गई। जेएन नारप्ता जुआणी ने कहा कि अपनी योजना के द्वारा दिया जाने वाला पानी मिलेगा तो ही सप्लाई की जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। इस पर एक्सियन मोहन लाल कंवल और जेएन की आपस में बहस हो गई। इस दौरान महिलाएं भी जेएन जियाणी पर आक्रोशित हो गई और धक्का मुक्की करने पर उतारू हो गई। पानी के लिए है वार्ड नंबर 25 में, एक महीने पहले जैन साहब को कहा था हमने, पानी के लिए हमें सांत्वना दी और कुछ मिला नहीं सांत्वना के अलावा। तो आज फिर हम लोग आक्रोशित होकर नाम जैन साहब से, अरे 1 घंटे के लिए इन्होंने लिखित में दिया है हमें कि 1 घंटे पानी आ जाएगा आपको, हम ये देखते हैं ये आश्वासन है या सही है इसको देखते हैं। कितने दिनों से समस्या? 1.5 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। 5 मिनट 7 मिनट के अलावा कोई पानी नहीं है, परेशान हो रही है। बयानों में अपने आप को नंबर 1 का अखबार और सर्वाधिक पाठक होने का दावा करने वाले एक समाचार पत्र की सोमवार को बयाना के गांधी चौक चौराहे पर कस्बे के पार्षदों ने होली जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कस्बे के पार्षदों ने उक्त समाचार पत्र और उसके स्थानीय संवाददाता पर तथ्यहीन, आधारहीन खबर और मनगढ़ंत कहानी के रूप में रची खबर के पार्षदों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की नाकाम कोशिश करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन स्थल पर नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कोली सहित भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष पार्षद मुरारी बारेठा, पार्षद मधु शर्मा, पार्षद जीतू पटेल, रविकांत, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल किशोर, राहुल कुशवाहा, मोहन प्रकाश सोनी, बलदेव प्रसाद आदि पार्षद और नागरिक मौजूद रहे। विरोध कर रहे पार्षद ने इस समाचार पत्र की प्रतिदिन विरोध स्वरूप प्रतियां जलाने का भी ऐलान किया है।
निराधार खबरें छापते हैं जो तत्वहीन है और हर एक कार्य नगर पालिका के हर एक कार्य पर रिश्वत मांगते हैं। इसलिए सभी पार्षद लोग आज नगर पालिका पुरानी नगर पालिका पर और पुरानी नगर पालिका पर पत्र का अखबार की होली जलाई गई है और ये हमारा विरोध प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा जब तक वो अपनी आदतों को सुधार नहीं करेंगे। और हम पत्रकार कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटा करके किसी दूसरे और मतलब ईमानदार आदमी को यहाँ पे पत्रकारिता के लिए लगाया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।